टाइम हो गया है 12:22। अपना काम से लगल है। ज़्यादातर टाइम ही नहीं बचा है, 10 मिनट टाइम बचे है। यहाँ पर दाल है, दाल यहाँ पर छूट लगाने के लिए चढ़ा दिया। अब तेल नहीं डाले है। 1 मिनट। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। श्री शिवाय, जय श्री महाकाल। तो दोपहर का समय है, कल का फास्टिंग था तो पहले तो भोजन किए, चावल दाल चोखा आज बनाया। आप लोगों को नहीं दिखला है, चावल दाल चोखा बनाए हैं। अब पूजा पाठ मेरा सब हो गया है, पाठ करते हैं, वो मेरा पाठ हो गया है। फिर अब सीधे शाम के आइए। भी देखिए ठंडा लगी थी क्या बेटा? अरे बेटा चादर ओढ़ लो, चादर ओढ़ लो कि तब शाम के उठेंगे, देखते हैं क्या बनाएंगे। गर्मे गर्मे बनाइए खाइए ना तो ठीक रहता है, तो लहसुन प्याज बिना ना अच्छा नहीं लगता है। तो एकदम जब अंजलि आएगी ना तब बनाएंगे रोटी। आज उसको चावल भेजती है ना 2 दिन से, तो बोल रही है कि तुम बार बार चावल भेज रहे हो, चावल मत भेजो। तो चोखा में कैसे रोटी तो चोखा खाती है, आप ही लोग बताइए। और सब्जी नहीं बनाया आज, क्योंकि हमको ना फास्टिंग पर रहते हैं, उसके बाद दूसरा दिन देह काम नहीं करता है तो छोड़ दिया। नवरात्रा चढ़ा हुआ है, एकदम अजब तरह के खुशनुमा रहता है ना, एकदम खुशनुमा खुशनुमा हर एकदम एथिए में वातावरण में ही वो चीज़ एकदम रहता है। जैसे लगता है कि हाँ नवरात्रा चढ़ा हुआ है, खुशनुमा हर जगह रहता है। तब सीधे आप लोग से हम शाम के मिलेंगे, क्या बनाते हैं वो आप लोग को हम दिखला देंगे। क्या करें, बेवकूफ़ बेवकूफ़ के पल्ले जब पड़ जाइए ना तो यही होता है। अब किसी को भी सोचना चाहिए कि कोई किसी को अगर कर रहा है तो बिना हाथी के जिंदगी नहीं चलता है। अगर कोई मेरा केयर कर रहा है तो हम भी उसको केयर करेंगे, इसलिए करेंगे कि हाँ ये भी मेरा केयर कर पाए, सुरक्षित रहेगा तो ना मेरा केयर कर पाएगा कि है कि नहीं। वैसा ही चलता है, दुनियादारी है ये, बिना पैसों के तो ज़िंदगी चलती नहीं है। यहाँ पर तुम जिसको रख ले हो उसको पैसा खूब दे रहे हो ना, तब ना चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर नहीं दोगे तो यहाँ पर का दाई बैठल है हम करने के लिए ना। व्यवस्था करो, रहो, हम भी अपना व्यवस्था किए दिन रात एक कह ले। अब देना ना देना तो मेरे महाकाल के हाथ में है, जैसे भी चलेगा चलाएंगे। मांगने तो तुमसे नहीं जा रहे हैं, मांग रही वो उसको दो भाई, हमको चैन से रहने दो। तो वक्त की रोटी कम से कम चैन से खाएं, तो फिर सब छोड़िए। नवरात्रा भी नहीं करना चाहते, एकदम खुशी से रहना चाहते हैं। एकदम नेगेटिविटी जो कहा जाता है ना, उस तरह का वो आदमी है। आते ही लगेगा ना कि जैसे घर में मातम छाल है, एकदम ऐसे ही है। आपका ना ना दिमाग अजीब तरह का हो जाएगा। देखिए अभी कैसा है, एकदम अच्छा है, नॉर्मल है, हवाएं बहुत अच्छी अच्छी चल रही हैं। अब आता है तो लगता है कि बाप रे बाप, कहाँ चले आए हम, कहाँ भागे खर्च छोड़ के, ऐसा महसूस होता है। ये परिवार होता है। अब सीधे शाम को मिलेंगे आप लोग से। वेरी वेरी गुड इवनिंग। यहाँ पर रोटी आज बना लिया, जंग जीत लिया। रोटी बनाना ना वो जंगे जितना होता है, लेकिन वो उतना गर्मी नहीं है, फिर भी रोटी बना लेते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं। तब बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्जी, और रोटी तो बना ही लिया है विदाउट लहसुन प्याज। और ये नमक चल रहा है, देख लीजिए। पहले तेल मसाला डाल लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग से हम बात करेंगे। यहाँ तो पनीर फट गया था, सो चीख कर देख रहे था, दूध फट गया था तो उसका पनीर फट गया। सोच रहे थे कैसे बनाएंगे, ना प्याज डालना है ना लहसुन डालना है। टेस्ट अच्छा है पनीर का, फोरन डाल दिया, गोभी भुंज लिया, आलू भुंज लिया, मसाला डाल के काम खत्म। यहाँ
यहाँ लोग अभी मसाला भून रहे हैं, धनिया हल्दी मिर्च डाल दिए हैं, गोभी भुना गया था तो मसाला डाले हैं, भुजल भुजल हो भी गया है, उसमें पानी डाले हैं। देखिए गोभी एकदम अच्छी तरह से भून गया था। उसमें पानी डालेंगे, ऐसा मोटा वाला डंठल है ना, डंठल ये वाला, ये डालेंगे और फिर उतरने के बाद डालेंगे कि डेरी मिल गया। सिटी लगा देंगे, बस खाना तैयार। दो सिटी लगेगा, हो गया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब बना रहे हैं नेनुआ की सब्जी। यहाँ पर दूसरे का भुजिया है और यहाँ पर परवल की भुजिया बन के तैयार है। नवरात्रा का तीसरा दिन है, हम लोग अभी सेंधा नमक ही कर रहा है और चलेगा। पहले हल्दी डाल लेते हैं नेनुआ में। तो यहाँ पर दो गो भुजिया बन गया है, भिंडी का भुजिया और ये परवल की भुजिया। नेनुआ का सब्जी चल गया है। यहाँ पर दाल चढ़ा दिए हैं चना का। माता रानी का आप लोग पे असीम कृपा बरसे, यही विनती है माता रानी से। और माता रानी से यही कहेंगे कि जैसे शुंभ निशुंभ का जैसे आपने संहार किया था, वैसे मेरे लाइफ में भी जो भी है उसको आप अपना आहार बना लीजिए। ऐसा आहार बनाइए ना कि जिंदगी रहे। अब ये नहीं कह रहा है ना कि जिंदगी चल जाएगा, अगर ये जिंदगी रहेगा तो ही ना सुख दुख का पता चलेगा कि हाँ सुख क्या होता है दुख क्या होता है। चलो इस स्थिति में हम पड़े तो आप वहाँ पर सीधे हाथ धर के ऐसे निकाल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और ज़्यादा ना हमको ज़्यादा पैसा चाहिए ना ज़्यादा ऐसो आराम का, हमको ख्वाहिश है कि ऐसो आराम से रहें। जो है जितना है आपका दिया हुआ है, बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश हैं। बस इतनी जिंदगी मेरी एकदम स्मूथ जो कहा जाता है ना वो चल रहा है, मखमली चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मेरे लाइफ में है तो मैं यही विनती करूँगी कि प्लीज़ आप उसकी ऐसी सजा दीजिएगा कि जिंदगी मौत के बीच में ऐसे झूलता रहे। हम तो जीरो हैं भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपके पास गुहार लगा सकते हैं। लेकिन भावना मेरे में नहीं रहता बदला लेंगे हई लेंगे हव लेंगे, नहीं, एकदम रिलैक्स रहते हैं। कोई कुछ पीछे भूक रहा है हम कुकर अथी में रहकर नहीं करते। जो सामना सामने बोलता है तो उसका हम जवाब देते हैं, और तो ऐसे नहीं पीछे में तो बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ भूक रहा है। तो आप हैं ये हम जानते हैं, लेकिन जो सपनी चाल चल रहा है उसका जो चीज़ भी प्यारा रहे, जो चीज़ भी एकदम दिल से चाहता हो कि कभी हमसे दूर ना हो, वो चीज़ आप ले लीजिएगा। औरत को कभी डहकाना नहीं चाहिए, और ये घर वैसे हमको डहकाया। तो हम यही माता रानी से, नवरात्रा चल रहा है, यही विनती करेंगे उसको जो चीज़ प्यारा रहे ना वो छीन जाए। ये हम श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। और ये घर का विध्वंस जो होता है ना कि औरत के हाय लगता है तो सात पुश्त ढह जाता है, सात पुश्त तक हो जाता है। भगवान से हम यही मनाएंगे। बाकी तो हमको आपने बहुत स्ट्रांग बनाया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। हर स्थिति का मुकाबला अच्छे से कर लेते हैं। हम बतियाने बैठ जाते हैं तो उधर खाना पीना ठप ठप हो जाता है। भुजिया बन गया, नेनुआ का सब्जी चढ़ा हुआ है।
भुजिया बन गया, अभी भुजिया बन गया, दाल हो जाएगा, उसके बाद चावल चढ़ा देंगे। दाल में आलू न डालें, बिना चोखा के हमको अच्छा नहीं लगता है। और धूप एकदम फ्रेश कर लें, धूप लग रहा है कि धूप है खूब अच्छे से। तो ये खाना खा लिया, अंजलि के लगा दिए चावल, भुजिया, चने की दाल है, नेनुआ की सब्जी। चटनी वो नहीं खाती, चटनी पीछे आंवला है, धनिया पत्ता है, सूखा लाल मिर्च है। तो थाली तैयार करना था, थाली का फोटो देना था, तो उसमें था चावल, दाल, कद्दू की सब्जी या भुजिया। तो कद्दू की सब्जी बनाए थे से था, तो डाल के फोटो ले लिए। चटनी था, आंवला इसीलिए लाए थे, चटनी भी दे दिए, काम हो गया। अब दीदी के खाना ले जाओ रे, चलो जाके खाना पहुंचा देगा। बस अब हम जा रहे हैं नहाने और पाठ करने।